नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं भारत का सबसे ज्यादा कैश स्ट्रैप्ड कंपनी के बारे में बताऊंगा, वोडाफोन आइडिया कंपनी। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम जो वो यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। जिस तरीके से आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल के ऊपर पढ़े हैं, वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 4G को और जबरदस्त तरीके से अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण से वोडाफोन आइडिया कंपनी L900 और L2100 टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। ये दो टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में तो बताऊंगा ही, कहां पर डिप्लॉय किया गया और इससे वोडाफोन आइडिया जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके का फायदा मिलेंगे, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं या बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, अगर मैं पर्टिकुलरली VI कंपनी यानी वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात करता हूँ तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कैश स्ट्रैप्ड कंपनी है वोडाफोन आइडिया और उनके जो कर्जे का अमाउंट है वो जितना दिन जा रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीना वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए काफ़ी जबरदस्त रहा, क्योंकि VI कंपनी ने भारत के अंदर सबसे बड़ा FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को यहाँ पर लॉन्च किया, जहाँ पर 18,000 करोड़ रुपये वोडाफोन आइडिया को फंडिंग मिला। साथ में बहुत सारी जगह से और फंडिंग यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी को मिल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर भी मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से ये फंडिंग को वो अपने नेटवर्क अपग्रेड के ऊपर काम में लिया था। इससे पहले वोडाफोन आइडिया कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से यहां पर बताया गया था कि उन्हें जितना भी फंडिंग मिलेंगे उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो अपने एग्जिस्टिंग 4G सर्विसेज को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के काम में लाएंगे और ये काम ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया कंपनी ने चालू कर दिया है। दोस्तों, गुजरात के 26 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने L900 और L2100 ये जो टेक्नोलॉजी है इसे मिले डिप्लॉय कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये दो टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से काम में आएंगे। देखिए, L900 जो टेक्नोलॉजी है ये मेनली इंडोर कवरेज के लिए काफी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर कॉलिंग वगैरह करना चाहते हैं या इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं तो तब के टाइम के अंदर बहुत जगह के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे कॉलोनी के अंदर आप रहते हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं, तो उस जगह के अंदर नेटवर्क कंजेशन काफी ज्यादा होने के नाते इंटरनेट स्पीड बिल्कुल भी नहीं आते। तो L900 टेक्नोलॉजी जो डिप्लॉय यहां पर किया गया है वो गुजरात के 26 डिस्ट्रिक्ट का 3,300 मोबाइल टावर्स के ऊपर डिप्लॉय किया है, जिसे जो इंडोर कवरेज है वो काफी ज्यादा मिलेंगे, काफी बेहतर मिलेंगे और जो इंटरनेट स्पीड है वो पहले से काफी एनहांस यहां पर मिलेंगे। अगर आप एक ऐसे कॉलोनी के अंदर रहते हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ मोबाइल टावर का यूज करें, फिर भी आपको कोई भी क्वालिटी इशू यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और सेकेंड जो टेक्नोलॉजी है वो L2100 यानी L2100 जो बैंड है वो मिले इंटरनेट स्पीड बढ़ाने में काम में आते हैं और ये वोडाफोन आइडिया कंपनी ने ये 26 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर टोटल 1500 मोबाइल टावर्स के ऊपर डिप्लॉय कर दिया और ये L2100 ये मेनली 4G इंटरनेट स्पीड को और भी ज्यादा बेहतर यहां पर बनाएंगे। तो अगर आप एक ऐसे जगह के अंदर रहते हैं जहां पर 4G इंटरनेट स्पीड के अंदर काफी दिक्कत आते हैं, डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड की अगर मैं बात करता हूं, तो उस जगह के अंदर ये L2100 बैंड जो वो काफी ज्यादा मदद करेंगे ये टेक्नोलॉजी। दोस्तों, रिसेंटली वोडाफोन आइडिया जो यहां पर फंड राइज किया था, उस फंड राइज का एक ह्यूज अमाउंट वोडाफोन आइडिया कंपनी मेनली अपने नेटवर्क अपग्रेड के ऊपर यहां पर काम में लगाया। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर दिया गया, जहां पर सुकांत दास जो क्लस्टर बिजनेस हेड गुजरात फॉर वोडाफोन आइडिया उनकी तरफ से यहां पर बताया गया, द डिप्लॉयमेंट ऑफ L900 एंड L2100 टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनहांसिंग द VI 4G नेटवर्क इन गुजरात। दिस टेक्नोलॉजी अपग्रेड विल अलाउ VI यूजर्स टू एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर इंडोर कवरेज, सुपीरियर कॉल क्वालिटी एंड फास्टर डेटा स्पीड ऑन VI गीगानेट, आवर बेस्ट नेटवर्क एवर। तो उनकी तरफ से यहां पर बताया गया मेनली जो इंडोर कवरेज है उसे बेहतर बनाने के लिए, जो इंटरनेट स्पीड है उसे बेहतर बनाने के लिए और बेटर कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस करने के लिए वोडाफोन आइडिया कंपनी मेनली ये दो टेक्नोलॉजी को यहां पर डिप्लॉय किया है गुजरात के टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी ये काम गुजरात के अंदर स्टार्ट किया है तो भारत के डिफरेंट जगह के अंदर धीरे धीरे ये काम स्टार्ट भी कर रहा है। तो VI कंपनी आने वाले टाइम के अंदर एक सुपीरियर सर्विस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, यह बिल्कुल कन्फर्म यहाँ पर हो जाओ। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर आता है, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस समय लगे तो कैसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।